एक मेरा हंसना और नृत्य करना, कभी से जहीं भी जाता हूँ तो जोर से हंसता हूँ। पहले मैं 19 साल का था, तब से मैंने पहली कोंपले फिर फुटाई ओशो की एक बुक पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं रोया था। क्योंकि उसमें जो उदाहरण देते हैं ना कि बच्चे सब घर में होते, उसके पापा कहीं बाहर जाते, बच्चे सब इकट्ठे होके होली करते, अंदर घर जलाते हैं। सलाम नमस्ते सस्त्रियागार। तो कैसे आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। और आज हमें पोरबंदर, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये यहाँ पोरबंदर की खाड़ी है, जो कि सुबह सुबह मैं यहाँ ताज़ी खुली हवा खाने के लिए आया हूँ। और काफ़ी नेचुरली काफ़ी ब्यूटीफुल ये प्लेस है। तो अभी काफ़ी हमने बर्ड्स देखे यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस प्लेस का। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे, आज बेसिकली ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, लेकिन आज मैं एक स्पेशल इंसान से आपको मिलवाना चाहूँगा, जो कि ये पूरा व्लॉग उन्हीं के ऊपर ये पूरा व्लॉग शूट करने वाला हूँ। तो आज हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं होने के सिवा भी उसके पास सब कुछ है। ये हमेशा मदमस्त रहते हैं, हमेशा झूमते रहते हैं, खुशी से पागल रहते हैं हमेशा। ऐसे एक बाबा से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, जो मैं भी करीबन 10-12 साल पहले उनसे मिला था, और मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ था कि लाइफ कैसे जी जाती है, और इस परेशान और तकलीफ़ भरी ये दुनिया में भी आप कैसे सभी रास्ते के सॉल्यूशन निकालते हुए अपनी लाइफ सही ढंग से बहुत ही बेहतर तरीके से आप जी सकते हैं। तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। इस तरफ है आगे पोरबंदर रिवर फ्रंट, और उसके नज़दीक ही ये है यहाँ पर बे, ये खाड़ी। तो अभी हम पहुंच गए आश्रम, और ये कुछ है आश्रम का नज़ारा जो अभी डेवलपमेंट में है। थोड़े साल में ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चारों ओर पेड़ हो गए, और बहुत ही स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा।
अभयपुरम आश्रम, जो कि यहाँ के जो बाबा जी है उनका सन्यासी नाम अभय है, इसलिए इस आश्रम का नाम अभयपुरम रखा गया है। तो बाबा जी वहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ये शेड बनाया गया है, जो कि अभी समर के टाइम में यहाँ पर आप दोपहर को कभी भी बैठ सकते हैं। क्योंकि सिटी से ही आश्रम दूर है, इसलिए यहाँ 24/7 बहुत ही खुली ठंडी हवा आती है और आपको बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। यहाँ पोरबंदर से कई सारे जो ओशो सन्यासी है यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बस ज़िंदगी का लुफ्त उठाते हैं यहाँ पर। तुम उस शिखर को छू सकते हो, सुनत नजारे चोट दिखते कमल मुख। तो भी चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाबा जी से, स्वामी अभय आनंद से, और कुछ बातें करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं और बाबा की लाइफ की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, जन्म से लेके यहाँ तक कैसे कैसे पड़ाव पार किए और कुछ रोचक बातें बाबा जी से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं बाबा जी से। ये है स्वामी अभय आनंद। जय भगवान बाबा जी। जय भगवान। तो बस बहुत बढ़िया। तो बाबा जी, हम और सब लोग जानना चाहते हैं, सभी सन्यासी, कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई और ये अभी तक जन्म से लेके अभी तक कैसे आपने कहाँ कहाँ सफ़र की और ये ओशो आनंदमय जीवन की शुरुआत कैसे शुरुआत हुई, तो उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। मैं जब छोटा था तभी से मेरे पापा और उसके मित्र सत्संग करते रहते थे, आत्मा परमात्मा के बारे में बातें करते थे, ये जानने जैसी बात है, जीने जैसी बात। तो जब छोटा था तभी से एक मन में बात रहती थी, भाव रहता था कि बड़ा होके यही जानना है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और तभी से बस इस बारे में दिमाग चलता रहता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो ओशो की पुस्तकें देखी, सन्यासी मित्रों को मिला, उनसे सब बातें हुई, पुस्तकें लिया, पढ़ा, ओशो मेडिटेशन कैंप लगा, वहाँ गया, वहाँ जो ध्यान की विद्या की तो लगा पहली बार के ना कुछ है जो हमारे अभी भी समझ के बाहर है, और उसके लिए थोड़ा इधर उधर जाओ, कोई ध्यान करो, पुस्तक या कोई ऐसे बुद्ध पुरुष की बातें सुनो तो कुछ बातें हो सकती है। तो तभी से और वहीं मैंने सन्यास लिया। सन्यास लेके मुझे बहुत दो गिफ्ट मिली ओशो से, एक मेरा हंसना और नृत्य करना। तभी से जहीं भी जाता हूँ तो जोर से हंसता हूँ और नृत्य करता हूँ, वो दोनों मेरी एकदम ओशो से मिली हुई गिफ्ट है। और तभी से हर बाद में पुणे जाना हुआ, माधवपुर ओशो आनंद सन्यास आश्रम में जाना हुआ, वहाँ रहता था, कुछ ना कुछ काम करते रहता था, कभी घूमता फिरता रहता था, समुद्र नहाता रहता था, मजा लेता था जिंदगी की। वैसे बहुत ध्यान कम करता था, धीरे धीरे मेरा गोवा, इधर उधर मद्रास में ओरोविल, बहुत जगह जाना हुआ, जहाँ की प्राकृतिक जगह हो मैंने देखी, वहाँ जाके जो शांत महसूस हुई, ऐसे घूमते फिरते मैं यहाँ आया, यहाँ जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, एक झोपड़ा बनाया, एक ओशो सेंटर की तरह एक छोटा मकान बनाया, जहाँ भी मैं ध्यान करता हूँ और एक सुकून सा फील करता हूँ। तो बाबा, पहले जब आपके जो फैमिली, आपके घर वाले को जो पता चला जब कि आप ओशो सन्यासी बनना चाहते हैं, तो पहला रिएक्शन कैसा था? घर वालों ने ये बात जब जानी थी तब पहले रिएक्शन क्या था, आपको क्या कहा था उस टाइम पे? घर वाले में मेरा पापा का बहुत रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वो ऐसे ही भक्त था, उसको अच्छा लगता था कि मेरा बेटा ये बात जाने, उसको परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में उसकी जो थिंकिंग हो, उसकी सोच हो, उसको लगे कि ना ये जानना जैसा है। मेरी माँ का बहुत रिएक्शन था और फैमिली वालों का रिएक्शन, क्योंकि वो मुझे बाबा बनने नहीं देना चाहते थे, उसको मुझे लगता था कि मैं वेल सेट एजुकेटेड हूँ, पढ़ाई करूँ, नौकरी धंधा करूँ, बीवी करूँ, बच्चे करूँ और उसके जैसे ही रहूँ। तो रिएक्शन था, बोला भाई ऐसा करना हो, आपको बाबागिरी करना हो तो यहीं हम नहीं रहने देंगे, आपको जाना पड़ेगा कहीं बाहर या हमारे जैसे हो, ये रिएक्शन था। तो बाबा, आपने कितनी साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और आप मेडिटेशन के लिए पहली बार, आपका कब आपने सुना था कि
ओशो रजनीश भगवान है, जो बहुत बड़े फिलोसोफर है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो सिखाते हैं। और आप पहले जब घर जब आपने छोड़ा तब आप पहले कहाँ पर गए थे? पहले मैं 19 साल का था, तब से मैंने पहली कॉम्प्ले फिर फुटाई ओशो की एक बुक पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं रोया था क्योंकि उसमें जो उदाहरण देते हैं ना कि बच्चे सब घर में होते, उसके पापा कहीं बाहर जाते, बच्चे सब इकट्ठे होके होली करते, अंदर घर जलाते, सब समझाते, बाहर नहीं निकलते और पापा आते बोला खिलौना लाया बाहर आओ, ऐसे उदाहरण सुन के बहुत लगता था कि भूत पुरुष हमारे लिए कितना करते, हमको ये संसार में भटकने नहीं दे रहे, इसके बाहर ले जाने को, इससे भी कुछ अन्यथा है उसको जानने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। तो मैं 19 साल का था तभी से मैंने ओशो को पढ़ना, ओशो के ध्यान शिविरें, ओशो का आश्रम, पहले मैं माधोपुर आश्रम में गया था, वहीं रुका था, उसके बाद मैं पुणे गया, उसके बाद जहाँ जहाँ सेंटर थे वहाँ वहाँ जाता रहता था, वहीं शिविरों में वहीं ध्यान ऐसा वैसा करता रहता था। तो बाबा आप आज तक आपने बहुत सारी किताबें भगवान रजनीश की और भगवान बुद्ध की आपने पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी कौन सी किताब है जो आप अंदर ही अंदर मन ही मन आप हमेशा उसे पढ़ना चाहोगे और आपकी जो वन ऑफ द फेवरेट बुक रही होगी आज तक की? आज तक की मैंने वैसे तो ओशो की जितनी मतलब बहुत बुकें नहीं कह सकता हूँ, जो जितनी भी पढ़ी है उसमें से मैं इंग्लिश धीरे धीरे में जब कम्यून गया तो मुझे इंग्लिश बोलना समझना बोलना वो सब आने लगा, तो मैं ओशो की इंग्लिश किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया। उसमें एनलाइटनमेंट ओनली रेवोल्यूशन ये बुक मुझे बहुत प्रभावशाली लगी क्योंकि वो बुक पढ़ने के बाद जैसे उसमें बोलते ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो ओशो का जो व्यक्तित्व है, ओशो जो हमें समझाते उतना हमारे आत्मा में जहनू में वो चला जाता है कि दिनों तक तो वो फीलिंग हमें बनी रहती है। जी बाबा जी। तो बाबा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मेट्रो जैसी लाइफ में आज के जीवन में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है और आज इस टाइम में बहुत सारे टेक्नोलॉजी और इतनी बिजी लाइफ हो गई है, लोगों के पास सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि लोग ऐसे दबाए दबाए से रहते, खुल के नहीं जी पाते और हमेशा दुखी रहते? पहली तो बात ये है कि लोग खुद को अलग समझते हैं कि हम एक प्राकृतिक का हिस्सा हो या अस्तित्व का हिस्सा नहीं रहते, वो खुद को एक अलग समझते हैं और उसको लगता है कि मैं ही करूँगा तो कुछ होगा। यहाँ लोगों को न तो ये कोई अस्तित्व पे परमात्मा पे ये कोई ऐसी कोई श्रद्धा है, न ऐसा कोई अनुभव है कि भाई जो सब कुछ हो रहा है वो अस्तित्व की एक मर्जी से, अस्तित्व की एक गति से हो रहा है। तो और मेडिटेशन है लोगों में जो भी समझने की हेल्थ की जो समझ होनी चाहिए वो बहुत कम रहती है। ज़्यादा अभी का इंटरनेट युग आदमी को ज़्यादा मोबाइल में टीवी में ऐसे बिजी रहता है, स्वयं के लिए आदमी कुछ करता नहीं दिखता है और टाइम का तो अभाव, आदमी बातें करता है टीवी के पीछे मोबाइल के पीछे बहुत टाइम वैसे निकाल देता है, तो न तो प्राकृतिक जीता है, न टाइम से खाता है, न अच्छी तरह सोता है, तो ये सब और कमाने धमाने का टेंशन ये सब मिलजुल के आदमी को थोड़ा परेशान करता है। तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तुम थोड़ा प्राकृतिक जगह पर जाओ, थोड़ा आँख बंद कर भीतर मुड़ो, भीतर भी देखो कि कुछ भीतर की दुनिया भी है, सब कुछ बाहर नहीं है, तो ये सब बातें करो तो मालूम पड़ेगा कि हम कितने उलझे रहते हैं, हमारे जो भी मिला हुआ है उसके उसको हम देख नहीं पाते और जो मिल जो पाना है उसके पीछे हम इतना दौड़ते हैं कि मिला है उसको भी हम पूरी तरह जी नहीं पाते। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आज हमें और सन्यासी मित्रों को सबको जानने को मिली। जय भगवान। जय भगवान।